नमस्कार, नीलेश शर्मा, मैं ग्वालियर से हूँ और आज मैं नोटा का प्रचार करने के लिए मुंबई में आया हुआ हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने देख लिया होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कि नोटा के कारण आपको सरकार गंवानी पड़ी। और मैं मोदी जी से कहता हूँ कि आप ही प्रधानमंत्री बने, ये मेरी इच्छा है। बट उससे पहले मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, मेरे बाप दादाओं से लेकर अभी तक मैं भाजपा से ही जुड़ा हुआ हूँ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहला जिसकी लड़ाई मैं सालों से लड़ता चला आ रहा हूँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण किसी भी जाति का हो पर आर्थिक रूप से देना चाहिए आरक्षण आपको। दूसरा, एक्ट में जो अध्यादेश लेके आए हैं आप उसको वापस लें। तीसरा हमारा मुद्दा है राम मंदिर, जिसके आधार पर आज तक आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उसी आधार पर आप राजनीति करते आ रहे हैं, तो आप राम मंदिर का शीघ्र निर्माण करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो आपको लोकसभा 2019 में इसका परिणाम भुगतना रह जाएगा। ये हम लोग, ये हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट करना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में आप सोचें, समझें और इस पर विचार करें कि नहीं होगा तो फिर उसका यह है 2019 में भी हम लोग पूरे हिंदुस्तान में नोटा का प्रचार करेंगे। अभी मैं मुंबई आया हूँ महाराष्ट्र में, फिर मैं गुजरात में भी जाने वाला हूँ, अब दिल्ली भी जाने वाला हूँ। मैं हर जो कंट्री की हर स्टेट है उसमें जाऊँगा और नोटा का प्रचार करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अभी चुनाव के आपके 4 महीने रह गए हैं, तो अगर आप इस पर तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, क्या है कि एक आप जातिवाद ना फैलाएं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, सभी एक हैं, सबको समान रूप से आर्थिक आधार पर, क्योंकि हर जाति में गरीब होता है, हर जाति में अमीर होता है। इसलिए मेरी मांग है कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए। जो आप एक्ट पे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा जी ने जो डिसीजन दिया था कि जांच के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो वही डिसीजन बरकरार रहे। आप जो अध्यादेश लेके आए थे उसको वापस लें। तीसरा हमारा राम मंदिर, जिसके आधार पे मैं मेरे मिलने वाले जो दोस्त या हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं भाजपा से जुड़े थे, एक आपका एक मेन मुद्दा था राम मंदिर, तो राम मंदिर का आपको भी 4 साल 5 साल होने वाले हैं, अभी तक राम मंदिर पे कोई भी डिसीजन लिया है? अगर आपको अध्यादेश लेके आना है तो राम मंदिर पे लेके आएँ, हम आपके साथ हैं, बट इसका तुरंत डिसीजन लें। नहीं तो 2019 में भी जैसे आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो आपने परिणाम देखे, वही 2019 में देखने पड़ जाएंगे। धन्यवाद। मैं संदीप शर्मा और मेरे साथ मेरे भाई, बड़े भाई समान नीलेश शर्मा जी, जो अभी हम लोग मुंबई आए हुए हैं, और मुंबई में हम सिर्फ एक ही कारण से आए हैं, वो है सिर्फ ST एक्ट, जिसका विरोध करने के लिए हम MP से चलते हुए अब मुंबई पहुँच चुके हैं। और हमारे साथ, हम दोनों अकेले नहीं हैं, लाखों लोग जो इस एक्ट में हमारे साथ हैं, जो अभी MP में थे, आपने देखा होगा एक विशाल आंदोलन जो MP में चला, जिसके चलते चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में BJP ने अपनी सत्ता खो दी, और तीनों जगह हम लोगों ने नोटा का प्रचार करते करते हुए वहाँ सत्ता पलट दी। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि इस विरोध को अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जल्दी जल्दी वापस नहीं लिया और कोर्ट का आदेश का पालन नहीं माना, तो ये विरोध मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, हर प्रदेश में, हिंदुस्तान के हर एक जगह इस कदर एक विष की तरह फैला दूंगा। और हम सब लोग बस आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि आप भी इस एक्ट में जुड़ें और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आपके बच्चे और आपके बच्चों का भविष्य, आप जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें, और आप सब लोग हमारा साथ दें। बस यही मेरा आपसे एक निवेदन है, सभी लोग मिलकर साथ दें और इस विरोध के खिलाफ लड़ें।